सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। माय नेम इज जिमी और आप देख रहे हैं टॉक्सिक मार्वल यूट्यूब चैनल। तो यार आज हम बात करने जा रहे हैं मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के पोस्ट क्रेडिट सीन्स के बारे में। हाँ यार, पोस्ट क्रेडिट सीन्स के बारे में। अब यार मेजोरिटी मूवीज में सिर्फ एक ही पोस्ट क्रेडिट सीन होता है, लेकिन इसमें तीन तीन पोस्ट क्रेडिट सीन है। तो चलिए बात करते हैं उनके बारे में। और मैंने अभी तक स्पॉइलर वार्निंग नहीं दी, तो ये लो स्पॉइलर वार्निंग। तो पहला पोस्ट क्रेडिट सीन है डॉक्टर स्ट्रेंज वाला, जिसमें हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज सब कुछ सही कर सिम्टम से बाहर निकल रहे होते हैं और अचानक रास्ते में उन्हें पेन होने लगता है, वो भी बहुत जोर से। फिर हमें दिखती है स्ट्रेंज के हेड पर थर्ड आई, जो कि हमने पहले भी देखी है सिनिस्टर स्ट्रेंज के हेड। तो अब बहुत लोग ऐसा बोल रहे हैं कि सिनिस्टर स्ट्रेंज करप्ट हो चुका था डार्क होल को यूज करने के कारण, और इसी वजह से उसके हेड पर थर्ड आई उगाई थी। और अब डॉक्टर स्ट्रेंज भी डार्क होल की वजह से करप्ट हो चुका, इसीलिए उसके हेड पर भी थर्ड आई उगाई। पर ऐसा नहीं है, बल्कि डार्क होल को जो भी यूज करता है उसे कोई ना कोई साइड इफेक्ट मिलता ही है, जैसे कि स्ट्रेंज के थर्ड आई कलाई और वांडा की फिंगर ब्लैक होने लगी थी। जैसा कि जब वांडा विजन में अगेता डार्क होल का यूज करती है तो उसकी फिंगर ब्लैक होने लगती है। अब हाँ, डार्क होल इतना पावरफुल मैजिक है, वो अपने यूजर से कुछ ना कुछ तो लेगा, पर इसने तो उल्टा हमारे स्ट्रेंज को थर्ड आई ही दे दी, जो कि स्ट्रेंज के काफी ज्यादा काम आ सकती है। और कॉमिक्स में ये काफी ज्यादा काम आई भी है, जैसा कि कॉमिक्स में डॉक्टर स्ट्रेंज इस आई की मदद से किसी की भी सोल में झांक सकता है। और ये कॉमिक्स में डार्क होल को यूज करने की वजह से नहीं, बल्कि आई ऑफ ओगामोटो की हेल्प से आई थी। कॉमिक्स में वैसे भी आई ऑफ ओगामोटो कोई बॉक्स नहीं है टाइम स्टोन का। तो अब बात करते हैं अगले पोस्ट क्रेडिट सीन की, जो पर्सनली मुझे तो काफी ज्यादा ही अच्छा लगा। तो डॉक्टर स्ट्रेंज ऐसे ही मजे में घूम रहा होता है और तभी वहाँ आती है एक नई कैरेक्टर, जिसके बारे में बात करने के लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। लेकिन अभी पोस्ट क्रेडिट सीन की बात करते हैं। तो वो स्ट्रेंज से बोलती है कि तुमने इंक्रेजन बढ़ा दिया और अब उसे फिक्स भी करना पड़ेगा, और किसी तलवार जैसी चीज से वो एक पोर्टल खोलती है जो कि कनेक्ट होता है डार्क डायमेंशन से। अब इसे आपने डॉक्टर स्ट्रेंज की फर्स्ट मूवी में देखा होगा, जिसका रूलर डोरमामो होता है। फिर वो कैरेक्टर बोलती है कि तुम डरे तो नहीं। फिर स्ट्रेंज अपने स्कैप को पीछे फेंक और प्रॉपर सूट में आ जाता है, और अब स्ट्रेंज बोलता है कि डरे मेरे दुश्मन, और डॉक्टर स्ट्रेंज की थर्ड आई भी खुल जाती है और दोनों डार्क डायमेंशन में छलांग लगा देते हैं। तो अब बात करते हैं उस प्यारी सी कैरेक्टर की, जिसका नाम है क्लिया, जो कि डार्क डायमेंशन की सोर्सरर ऑफ सुप्रीम है और डोरमामो की भांजी भी। हाँ, भांजी होने के बाद भी ये कोई विलन नहीं है, बल्कि ये तो डोरमामो और स्ट्रेंज की फाइट देखकर स्ट्रेंज पर लट्टू हो गई थी एक बार कॉमिक्स में, और फिर दोनों शादी भी कर लेते हैं। हैशटैग भाड़ में जाओ क्रिस्टीन। तो यार अभी छोटे से मिड क्रेडिट की बात कर लेते हैं, जो कि कोई सेंस नहीं बनाता। जो पिज्जा पापा होता है उसके पंच बंद हो जाते हैं और वो जोर से चिल्लाकर बोलता है इट्स ओवर, मतलब कि अब अपनी हॉट सीट छोड़ो, आपको पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं आएगा। और अगर आपको इस एक्टर के बारे में ये बात पता नहीं, तो मैं आपको बता दूं कि ये एक्टर सैम रेमी का बहुत अच्छा दोस्त है, और सैम रेमी इन्हें अपनी हर फिल्म में छोटे छोटे रोल देते ही रहते हैं, जैसे कि टॉमी मैग्वायर वाला स्पाइडरमैन की पूरी फ्रेंचाइज में इनका कैमियो तो मिल ही जाएंगे तीनों मूवी में। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में।